नमस्कार आदाब, मैं अजीम तांबोली, आप देख रहे वाईएसआर न्यूज़। भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर की ये स्थिति आप देख सकते हैं। महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपए का नाले सफाई में टेंडर निकालती है, पर नाले सफाई के ये दावे कहीं ना कहीं खोखले साबित होते हैं। नहीं हुई कई जगह नाले सफाई। मीरा भाईंदर, महानगर पालिका हर साल करोड़ों रुपए खर्चा करती है नाले सफाई के नाम पर, फिर भी हमेशा की तरह जगह जगह भर जाता है पानी। कौन है आखिर इसका जिम्मेदार? भाईंदर पश्चिम के गणेश देवल नगर में आज हमने नाले सफाई का जायजा लिया, जहां हमने पाया कि नाले सफाई के नाम पर मनपा की तिजोरी की सफाई हो गई। कचरा कूड़ा का अंबार लगा हुआ है, मनपा के सफाई कर्मचारी कर रहे हैं नाले सफाई। स्थानीय नगर सेवक और स्टैंडिंग कमेटी के सभापति अशोक तिवारी से हमने इस पूरे नाले सफाई के बारे में बात की, आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। नहीं, इसकी जिम्मेदार तो हकीकत में नगर सेवक हो और काम करने वाली प्रशासन है। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन हूँ, मैं बारम्बार नए कमिश्नर साहब से दो बार मिला। नए कमिश्नर साहब का कहना है कि तिवारी जी, कोविड में हम परेशान हैं, कोविड में पूरा देश परेशान है, पूरा शहर परेशान है। कमिश्नर साहब अब भी आए, लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कमिश्नर साहब आईएएस अधिकारी हैं और एक योग्य अधिकारी हैं, उनके में के अंदर काम करने की क्षमता है और वो हर डिपार्टमेंट को सुधारेंगे। ये मेरी खुद की सोच। नहीं, सत्ताधारी तो हम हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। नाले सफाई नहीं हुई है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसके लिए मैं बारम्बार पत्र व्यवहार किया हूँ। अभी चार पत्र स्टैंडिंग चेयरमैन रहने के हिसाब से चार बार मैंने पत्र दिया, तो ओरली कितना बोला होगा वो आप लोग समझ सकते हैं। और इसके ऊपर मैं उचित कमिश्नर साहब से निवेदन करके उचित कार्रवाई करवाऊंगा, मेरा वादा है। ठेकेदार तो है ना, काम नहीं हुआ तो ठेकेदार जवाबदार होता है और डिपार्टमेंट के अधिकारी जवाबदार होते हैं। काम नहीं हुआ तो इसमें जवाबदार तो लोग हैं। मानते हैं आप इसको? आपने जो सबसे पहले मेरा भाईंदर का आरोग्य डिपार्टमेंट के अधिकारी क्या? मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि महीना महीना भर एसआई का कुछ पता नहीं रहता है। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि पानपटे साहब योग्य अधिकारी नहीं है, आरोग्य डिपार्टमेंट का कोई कंट्रोलिंग नहीं है, रहते हैं थाना में और यहाँ पर बारिश चालू है, मैं सुबह 6 बजे से घूम रहा हूँ, किसी का पता नहीं है। तो एक खुला आरोप जो है प्रशासन के ऊपर है। दूध का खाली तू बनाने को बोलना पड़ता है ठेकेदार। आम्ही नाला सफाईला म्हणजे आम्ही वार्डमध्ये कामाला आहे, पण आम्हाला वार्डमधून आता नाला सफाई झाले नाही, त्यामुळे आम्हाला काय करतात ते एक एक तास डेलीचे आता बाहेर काढून नाल्यावरती लावतात। डेली जे असेल आम्ही मध्ये हे मना पण केलं की म्हणलं आम्ही कामं वगैरे नाल्यावरती करणार नाही, पण नंतर ना मग एसआयने आणि आम्हाला सांगितलं की तुम्हाला नाल्यावरती करावंच लागेल। मग आता परत साहेब पण आले, तिवारी साहेब आले, त्यांनी पण मना केली, पण त्यांचं पण काही नाही झालं। मग नंतर मग आम्हाला आता सांगितलं की परत तुम्हाला नाल्यावर लागावंच लागेल, आणि आज पण आम्ही लागणार होतो, पण आज पाऊस नसल्यामुळे मग आम्हाला परत बोलत की आज नको, उद्यापासून परत लागायचं घरच्या हो दबावामध्ये काम करावंच लागतं ना। आमचं काय नाल्यामध्ये काम करण्याचं आमचं हेच नाही, आम्हाला वार्डमध्ये ठेवलंय, पण आम्हाला वार्डमधून आता काढून इकडे नाल्यावरती लावतो।